देश का कौन सा शहर कितना कचरा मुक्त है और कितने कचरे निस्तारित हो रहे हैं, इसको लेकर केंद्र सरकार होटलों की तर्ज पर शहरों को 3 स्टार 5 स्टार और 7 स्टार कैटेगरी निर्धारित करेगी। इसके लिए स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज सिटीज कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। क्या हम सब लोग जिस पद पर भी हैं ईमानदारी से प्रयास करेंगे और इस वर्ष कम से कम 5 स्टार लाने के लिए पूरा हमारी ओर से कमी नहीं रखेंगे। राजधानी के होटल क्लार्क्स आमेर में स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी, स्वायत्त शासन मंत्री नवीन महाजन, डीएलबी पवन अरोड़ा के साथ प्रदेश भर के निकाय प्रमुख और अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को संकल्प दिलाया कि अपने शहर को अच्छी रेटिंग दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस मौके पर कृपलानी ने कहा कि ऐसे संकल्प मैं पहले भी दिला चुका हूं, लेकिन इस बार तुम अपने पति या पत्नी की कसम खाकर संकल्प लो। कार्यशाला में मौजूद स्वायत्त शासन सचिव नवीन महाजन ने क्रिकेटर एबी डिविलियर्स का उदाहरण देते हुए कहा कि डिविलियर्स अलग अलग 5 खेलों की टीम के कप्तान थे और एकेडमी के लिहाज से भी वो बहुत आगे थे। ऐसे ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अपना काम करना है, क्योंकि स्टार रेटिंग के लिए दिन रात काम करने की जरूरत है। मैं तो चाहता हूँ पूरे राजस्थान के 191 शहर आए इसमें, लेकिन जिस बात को लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी मुख्यमंत्री जी जिस शहरों की स्वच्छता की बात कर रहे हैं, उस बात को अगर हम अनुसरण नहीं करेंगे तो मैं सोचता हूँ इससे गंभीर विषय नहीं हो सकता। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे नगर पालिका के जितने भी चेयरमैन हैं, जितने भी अधिकारी यहाँ पर आए हुए, उन्होंने सब ने आज रेटिंग के लिए भी आने वाले समय में निश्चित रूप से राजस्थान की नगर पालिकाओं का इस देश में सबसे बड़ा हिस्सा रहेगा। सबसे 5 स्टार 7 स्टार अधिकतर राजस्थान में मिलेंगे, मेरा ऐसा मानना है। ये प्लेयर अपने कंट्री की, जब ये जूनियर लेवल पे खेलता था तो रग्बी, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ और क्रिकेट 5 गेमें जिनमें अलग अलग तरह के स्किल हैं, और ये अपने कंट्री की डेविस कप की टेनिस टीम में भी रहा था, 5 टीमों का ये कैप्टन था। कार्यशाला के विषय पर जानकारी देते हुए डीएलबी पवन अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश में 142 निकाय प्रमाणित रूप से ODF हो चुके हैं। 90% वार्डों में कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है, तो वहीं 3,43,000 शौचालय बनाए जा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन के घटकों में अच्छा काम हुआ है, फिर भी बावजूद 1-2 मामलों में हम पिछड़े हुए हैं। सिटीजन फीडबैक में और सुधार की जरूरत है। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल में पिछड़े हैं। लोगों में सिविक सेंस विकसित करने की जरूरत है। हम आज यहाँ इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनको मार्गदर्शिका पुस्तिका दे रहे हैं। ये लोग भारत सरकार के पोर्टल पे अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे और भारत सरकार की तरफ से लगभग 1 माह में जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है वो फाइनल हो जाएगी, और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट एजेंसी राजस्थान के शहरों में और देश के बाकी राज्यों के शहरों में भ्रमण करेगी और उनका मूल्यांकन करेगी, और फिर जिस तरह से स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणाम घोषित होते हैं उसी तरह से शहरों के स्टार रेटिंग के परिणाम भी घोषित होंगे। डीएलबी पवन अरोड़ा ने सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी। पवन अरोड़ा ने बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश में एक ही दिन सभी जिलों के निकायों की भर्ती की लॉटरी निकाली जाए। जयपुर जैसे बड़े शहर में दिक्कत आ सकती है, भर्ती में आरक्षण की पालना को लेकर भी समझाया। उन्होंने कहा कि निकायों को तय समय में आवेदनों की छटनी का काम पूरा कर लेना चाहिए। सफाई कर्मचारियों की भर्ती, आप सबको मालूम है कि राजस्थान में हम लगभग 21,093 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने जा रहे हैं। उसकी जो आवेदन पत्र लेने की कार्रवाई थी वो पूर्ण हो चुकी है 15 तारीख को, और अभी आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी या समीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। समीक्षा के संबंध में भी हमने आपको स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि उस समीक्षा में कैसे कमेटी बनेगी। चाहे मंत्री श्रीचंद कृपलानी हो या स्वायत्त शासन सचिव नवीन महाजन और स्थानीय निकाय निदेशक पवन अरोड़ा, सभी शहरों में सफाई के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। निकायों को हर संभव संसाधन और हर तरह की सहायता मिल रही है, लेकिन कौन सा शहर कितना साफ रहे और कैसी रेटिंग हासिल कर पाएगा, ये शहर के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता पर निर्भर करेगा। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।